गुमला जिला ब्राउन शुगर को लेकर काफी चर्चा में है। हाल के दिनों में ब्राउन शुगर के साथ कई अपराधियों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर तेजी से नशे के बढ़ते कारोबार में गुमला जिले के युवा, खासकर टीनेजर्स, तेजी से फंसते जा रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गुमला जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी नूर खान से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कई अभियान चलाए जा रहे हैं, विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूली शिक्षकों को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे, विशेषकर टीनेजर, नशे के ग्रुप में न आए और नशे की इस बुरी लत में न फंसे। उन्होंने बताया कि न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी आगे आने की जरूरत है। सुना करते थे कि ये चतरा वगैरह डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का घटना घटित होती थी, लेकिन गुमला जैसे जिलों में इस तरह का सामग्री अगर आ रहा है तो ये बहुत ही एक चुनौती वाला विषय है। और हम लोग, जिला प्रशासन भी इस पर जो है ना लगातार मीटिंग की हुई, हम लोगों के साथ भी बैठक हुई है। प्रशासन भी अपने स्तर से कार्य कर रही है कि इसका जो स्रोत है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जो है ना ये सामग्री हमारे जिले में आ रहे हैं, उसका पहले तो जो एक तरह से कनेक्शन को जो है ना कट करने की ज़रूरत है। और दूसरा, हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक करेंगे तभी हम लोग कामयाब होंगे। ये सामूहिक प्रयास से ही सफल हो सकते। जिले के स्थानीय लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि अभी नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। कई बड़े स्कूल एवं शहरी क्षेत्र इसके गिरफ्त में आ चुके हैं। युवा, खासकर टीनेजर, बहुत तेजी से इसमें फंसते जा रहे हैं। युवक ने बताया कि यहाँ ब्राउन शुगर के कारण मौत भी हो रही है। मुंबई जिले में ब्राउन शुगर ही नहीं, कई तरह का मादक पदार्थ जो है वो अभी युवाओं में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से प्रचलित है और इसका सेवन कर रहा है लोग, और अपना जो भी मूल काम है उससे वो लोग हट चुका है और वो अपने परिवार के दुश्मन बन चुके हैं, स्वयं अपने दुश्मन बन चुके हैं। और ब्राउन शुगर की जहाँ तक बात है, ये ब्राउन शुगर घर घर तक, हर एक युवा तक इसका पहुँच है। युवक ही नहीं, युवतियों तक ही भी इसका पहुँच है। ऐसा समाज में हम लोग घूमते रहते हैं अपना, तो मिलता है हम लोग को, ऐसा मिल रहा है। इस बारे में जब SDPO गुमला सुरेश प्रसाद यादव से पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयास के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाल के समय में इस क्षेत्र में काफी सफलता पाई गई है। कई जगह से ब्राउन शुगर पकड़े गए हैं और उसके कारोबार करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है इसका रैकेट का जल्दी पर्दाफाश किया जा सके और इसमें सम्मिलित लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का जहां तक पार्ट है वो हम लोग उसको बहुत ही संजीदगी तरीके से इसको ले रहे हैं। जहां तक विगत दिनों में भी हम लोग कई जगह इस छापामारी की, और छापामारी में भी हम लोग कितने बच्चों को जो इस समस्या से वो जुड़े हुए थे उनको हमने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैसे क्षेत्र के अंदर नशे का कारोबार फल फूल रहा है और ऐसे नशे के कारोबारियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है। ब्राउन शुगर के कुछ मामले आए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, गुमला पुलिस ने कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी गुमला के लिए खड़ी हो गई है। गुमला में अभी खासकर टीनेजर और बच्चे इसमें एक नशे के चुंगल फंस रहे हैं, ब्राउन शुगर जिसे नशा करने लगे हैं, ड्रग्स जो काफ़ी खतरनाक होता है, जिस एडिक्शन से बच्चों को निकलना आसान नहीं होता है, उस खतरे में अभी गुमला है। इस पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो ये कहीं गुमले की स्थिति उड़ता पंजाब की तरह उड़ता गुमला भी ना कहा जाए। यहाँ पर देखा जाए तो जो टीनेजर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इसका असर क्या होगा, लेकिन गार्जियनों को भी इसमें ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे उनसे कितने पैसे ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार अगर इस चुंगल में फंस गए तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ब्राउन शुगर मिलना एक बहुत बड़ी खबर थी गुमला में, लेकिन जिस तरह से फैल रही है, अगर इस पर जल्दी कार्रवाई करना है तो यहाँ ना केवल प्रशासन को बल्कि गार्जियनों को भी सामने आना पड़ेगा, उन्हें भी पता करना पड़ेगा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में नशा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। उनके अलावा स्कूल के शिक्षकों एवं अन्य लोगों को, पूरे समाज को भी उठ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर इतने बड़े जो खतरा यहाँ पर गुमला मंडरा रहा है उसे दूर भागा जा सकता है। गुमला से अमित राज।